आज हम आपको बताएंगे अपने रोजमर्रा के कामों के साथ माइक्रोवेव ओवन की सफाई को किस तरह से तरजीह दी जा सकती है। माइक्रोवेव के मुसलसल इस्तेमाल के बाद इसे साफ करने में मुश्किलात का सामना हो सकता है। इसकी अंदरूनी दीवारों पर खाने के छींटों से छुटकारा हासिल करने के लिए हम आपको बताएंगे मुख्तलिफ तरीके, इनको इस्तेमाल करते हुए आप अपने माइक्रोवेव ओवन को बिल्कुल नए जैसा बना सकते हैं। लीमू के पानी से भाप दें। एक माइक्रोवेव ओवन का प्याला लें, इसमें पानी में एक लीमू का रस मिला दें, हाई पावर पर इसे गर्म करें यहाँ तक के पानी उबलने लगे। इसके बाद बटन बंद कर दें और तकरीबन 10 मिनट तक भाप खत्म होने का इंतजार करें। प्याले को बाहर निकाल लें और माइक्रोवेव को स्पंज से चारों तरफ से साफ कर लें। बेकिंग सोडा से सख्त दाग दूर करें। बेकिंग सोडा और पानी का गाढ़ा सा पेस्ट बनाएं और उन दागों पर लगाएं जहां से आपको साफ करना मुश्किल हो रहा है। पेस्ट को 5 से 10 मिनट तक लगा रहने दें और फिर गीले कपड़े से साफ कर दें। एक और तरीका जो इस्तेमाल किया जा सकता है वो है क्लीनिंग स्प्रे। क्लीनिंग स्प्रे खुद बनाइए। एक स्प्रे बोतल में पानी, नींबू का रस और सफेद सिरके को बराबर मिकदार में डालकर मिक्स करें। हर चीज को यकजा करने के लिए अच्छी तरह से हिलाएं। महलूल को अंदर तक तमाम हिस्सों पर छिड़कें और 5 मिनट तक लगा रहने दें और इसके बाद गीले कपड़े से साफ कर दें। चिकनाई वाले दरवाजों के लिए डिश साबुन का इस्तेमाल। माइक्रोवेव के शीशे का दरवाजा आसानी से चिकनाई का शिकार हो जाता है। पानी और डिश साबुन के महलूल में डूबे हुए स्पंज की मदद से चिकनाई को रगड़ें, फिर सादा पानी से साफ कर दें तो इसका रिजल्ट आपको भी हैरान कर देगा। एक और तरीका जो माइक्रोवेव की सफाई में आपके लिए मददगार साबित हो सकता है वो है लिक्विड डिशवॉशर और पानी का महलूल बनाएं और स्पंज में को इसमें डुबोकर ओवन की ट्रे पर लगाएं और खाने के जिद्दी तरीन दाग भी निकाल देगा। माइक्रोवेव को साफ करना इतना ही आसान है जितना इसमें खाना पकाना। अपने माइक्रोवेव को साफ करने और इसे खाने के लिए दोबारा सेहत बख्श बनाने के लिए इन आसान तजावीज पर अमल करें। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा तरीका कार आपके लिए कारामद साबित हुआ और आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।